आज हमें बात करनी है, हमें एक आर्बिट्री गिवन है और उस आर्बिट्री के पास n इंटरनल नोड्स हैं उस आर्बिट्री में। तो इस आर्बिट्री की जो हाइट है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इट कैन बी ट्वाइस ऑफ लॉग n प्लस 1 ओनली। ठीक है, सो लेट्स से मुझे ये एक आर्बिट्री गिवन है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले अभी हम जरा ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक आर्बिट्री में किसी भी नोड की हाइट या ब्लैक हाइट कितनी होती है या कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो यहां पर अगर मुझे किसी भी नोड की हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइट क्या कहती है, द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड टू ए लीफ, मींस अगर मुझे 18 की हाइट फाइंड आउट करनी है तो 18 से डाउनवर्ड लीव्स कौन कौन सी हैं 18 के करस्पॉन्डिंग, डाउनवर्ड ये भी एक लीव है जो 18 के करस्पॉन्डिंग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, बट इसमें से कौन सी लीव के साथ लॉन्गेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ में जिसपे नंबर ऑफ एजेस ज्यादा आ रहे हो। अगर मैं 18 से ट्रैक करूं टुवर्ड्स लीव, तो मैं अगर 18 से इस लीफ पर आता हूं तो भी 3 एजेस हैं, इस लीफ पर आता हूं तो भी 3 एजेस हैं, इस पर आता हूं तो भी 3 एजेस हैं, यहां पर भी 3 एजेस हैं, बट यहां पर 2 एजेस हैं, बट यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, तो मुझे 2 वाले के करस्पॉन्डिंग नहीं कंसिडर करना है, नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ। तो हाइएस्ट नंबर ऑफ एजेस कितने आ रहे हैं किसी भी पाथ में, यहां पर फ्रॉम नोड टू लीफ 3, सो हाइट ऑफ दिस 18 इज 3, हाइट ऑफ 18 इज 3। सिमिलरली अगर मुझे 10 की हाइट फाइंड आउट करनी है तो इस नोड से लेकर के करस्पॉन्डिंग लीव कौन कौन सी है इसके नीचे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें से लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ एजेस किस पर है या हाईएस्ट नंबर ऑफ एजेस किस कितने हैं, 2, सभी पर 2 हैं, सो 2 इज द हाइट फॉर दिस वन। लॉन्गेस्ट कंसीडर करना, जैसे कि अब 7 की हाइट फाइंड आउट करते हैं, 7 की करस्पॉन्डिंग ये भी एक लीव है जिसपे 2 एजेस है, 7 की करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये भी एक लीव है जिसपे 2 एजेस है, बट 7 की करस्पॉन्डिंग ये भी एक डाउनवर्ड लॉन्गेस्ट पाथ की लीव एग्जिस्ट करती है और उसमें कितने नंबर ऑफ एजेस है, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, सो 4 इज द हाइट, क्योंकि 4 से ज्यादा किसी भी पाथ पर फ्रॉम दिस नोड टू एनी ऑफ द लीव ऐसा कोई पाथ नहीं है जिसमें 4 से ज्यादा एजेस हो। हाँ, इस पर भी 4 ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4, सो 4 इज द हाइट फॉर 7। सिमिलरली व्हाट इज द हाइट ऑफ 22, यहां से लॉन्गेस्ट पाथ किस कौन सा बन रहा है, सिर्फ ये वाला, सो 2 इज द हाइट। सिमिलरली व्हाट इज द हाइट ऑफ 26, यही दो लीव है 26 से करस्पॉन्डिंग और दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1। सिमिलरली हाइट ऑफ 8 इज 1 ओनली, हाइट ऑफ 3 इज, क्योंकि दो ही लीव है और दोनों ही लीव के करस्पॉन्डिंग मेरे पास नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1। ठीक है, ये हमने हाइट फाइंड आउट कर लिया। और नील का हाइट कितना होगा, नील से लीव तक, नील तो खुद ही लीव है, दैट्स व्हाई हाइट ऑफ दिस वन इज 0। ठीक है, अब देखते हैं ब्लैक हाइट, किसी भी नोड का ब्लैक हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी नोड का ब्लैक हाइट विल बी द नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स from that particular node to any of the leaves on the path from a node to x to a leaf, that means yahan par humne dekha tha longest path, yahan par ye kya keh rahe hain, agar mujhe 18 ki black height find out karni hai, aap 18 se ke downward correspondingly kisi bhi leaf par chale jaye, kisi bhi leaf par 18 ke corresponding ye bhi leaf hai, 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 aap kisi bhi leaf par chale jaye, उस लीफ पर ट्रैक होने में, उस लीफ तक पहुंचने में जो पाथ है उसमें जितने भी नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं उसमें भी, उस पाथ में जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका काउंट नहीं करना है और जिस लीफ तक जा रहे हैं उसका ब्लैक नोड काउंट करना है। दैट मींस 18 से जब मैं इस लीफ तक आ रहा हूं तो मुझे 18 का काउंट नहीं करना, कलर 22 का फर्स्ट ब्लैक कलर है, इसका सेकंड ब्लैक कलर है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स देखने हैं, तो यहां से यहां आने में कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स है, 2, दैट्स व्हाई ब्लैक हाइट ऑफ 18 इज 2। ठीक है, और ये हम क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ दिस ट्री क्या कहती है, आर्बिट्री की, कि आप किसी भी नोड से किसी भी लीफ पर चले जाएं डाउनवर्ड, सभी लीफ पर आपको इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स मिलेंगे। ठीक है, सो इसीलिए हमें, हम रैंडमली किसी भी लीफ पर देख सकते हैं, आप चाहे तो 18 का इसके इस लीफ के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स काउंट करें, यहां से 18 तो काउंट करना नहीं है, यहां से 10 ए फर्स्ट ब्लैक नोड, देन 11 11 is red, so not counted, so एक ही ब्लैक नोड आया अभी तक, उसके बाद में इस पे गया फिर सेकंड ब्लैक नोड, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसका काउंट नहीं करना है, लीफ का काउंट करना है, लीफ का, नील का काउंट करना है, इंक्लूडिंग नील, कलर ऑफ नील, नील टू बी इंक्लूडेड, सो ब्लैक हाइट ऑफ 18 इज 2, ब्लैक हाइट ऑफ 22, 22 की ब्लैक हाइट फाइंड आउट करनी, किसी भी लीव की करेस्पॉन्डिंग देख लें, इस लीव तक एक ही, क्योंकि लीव का ही एक ही, इसका तो काउंट करना नहीं 22 का, लीव का करना है, तो एक ही ब्लैक कलर पड़ रहा है, सो हाइट इज 1। या यहां से इस लीफ पर भी देख लें, यहां तक आने में कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं, यहां से इसका तो काउंट करना नहीं है, ये रेड है, फिर से सिर्फ लीफ का ही ब्लैक नोड, ब्लैक कलर है, सो ये इज सिर्फ नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इज 1 ओनली। अगर मुझे 7 का ब्लैक हाइट फाइंड आउट करना है, 7 का ब्लैक हाइट क्या होगा, 7 का ब्लैक हाइट अगर मैं देख रहा हूं तो 7 से लेकर के उसकी लीफ तक, किसी भी लीफ तक जितने भी नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं, 7 का छोड़ करके, एक्सक्लूड करके,
सेवन को हमने काउंट किया नहीं, इस तक आ रहे हैं फर्स्ट ब्लैक नोट, सेकंड ब्लैक नोट. सो देयर इज टू ब्लैक नोट, सो टू इज द ब्लैक हाइट ऑफ सेवन. सिमिलरली ब्लैक हाइट ऑफ नील कितना होगा, नील से लेकर के इससे तो स्टार्ट करना है तो इसको तो काउंट करना नहीं है, और इसके नीचे कोई लीफ है नहीं तो इससे स्टार्ट करें, इसको काउंट नहीं करना है. सो द ब्लैक हाइट ऑफ दिस विल बी जीरो. ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज द ब्लैक हाइट ऑफ एट, इससे लीव तक ओनली वन, क्योंकि इसका काउंट करना नहीं है, नीचे एक ही लीफ है, सो नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इज वन, सिर्फ ब्लैक नोट काउंट करनी है. सिमिलरली ब्लैक हाइट ऑफ दिस वन इज वन ओनली. सो अगर 10 की ब्लैक हाइट फाइंड आउट करनी है, द ब्लैक हाइट ऑफ 10 इससे स्टार्ट करें और किसी भी लीफ तक चले जाएं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी लीफ तक चले जाएं, इस पे चले जाएं, इस पे चले जाएं, हम इस पे जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड है, केवल लीफ का ही है, बाकी तो कोई और है नहीं. सो ब्लैक हाइट इज वन ओनली. ठीक है, सिमिलरली ब्लैक हाइट ऑफ 3, यस 3 की ब्लैक हाइट कितनी होगी, हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं बट 3 का हमें काउंट नहीं करना, हमें लीफ का ही काउंट करना है, सो दिस इज वन ओनली. ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द हाइट एंड ब्लैक हाइट ऑफ एनी ऑफ द नोड और एनी ऑफ द ट्री. अब देखें जरा, अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि द सब ट्री रूटेड एट एनी नोड एक्स कंटेन्स एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ बी एच एक्स माइनस वन. वो क्या कहते हैं कि मैं किसी भी नोड पर जो मेरा सब ट्री रूटेड है, मैं कहता हूं कि मेरा ये वाला सब ट्री, ये सब ट्री, ये सब ट्री किसके करस्पॉन्डिंग है, इस वाली नोड का, तो ये सब ट्री है ना यार, ये वाला, ये एक सब ट्री है इस नोड का, ये एक सब ट्री है इस नोड का. ठीक है, तब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो सब ट्री है, ये जो सब ट्री है, ये वाला, इतने सब ट्री के बाद इस सब ट्री का रूट कौन है, इस सब ट्री का रूट है ये 10. ठीक है, तो इस 10 को ले लेते हैं वो x. वो कहते हैं कि इस x की जो हाइट है, इस x की जो ब्लैक हाइट है, ब्लैक हाइट सॉरी, इस x की जो ब्लैक हाइट है, इस x के करस्पॉन्डिंग इस x के सब ट्री में, इसमें, इसमें, इतने में टोटल नंबर ऑफ जो इंटरनल नोड्स होंगे, इट विल बी ट्वाइस ऑफ ब्लैक हाइट ऑफ x माइनस वन. ठीक है, सो इसकी ब्लैक हाइट कितनी है, इसकी ब्लैक हाइट है 1. सो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 1. सो इसमें इसमें ये जो सब ट्री है जिसका रूट ये है x, इसमें देखो ये कह रहे हैं कि सब ट्री रूटेड एट x, सब ट्री रूटेड एट x. ठीक है, ये x है, इस सब ट्री का रूट x उन्होंने माना है. इस सब ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स क्या होंगे, वो इतने होंगे 1. Yes, और इसमें है कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3. उन्होंने कहा मिनिमम इतने होंगे, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस 18 का देखूं, ठीक है, सो 18 भी इस कोई सब ट्री होगा, 18 सब ट्री किसका है, इस 7 का सब ट्री है. सो ये एक सब ट्री है करस्पॉन्डिंग टू 7, इस सब ट्री को रूट कौन कर रहा है, 18. सो 18 विल बी ट्रीटेड एज x. ठीक है, इस x की ब्लैक हाइट कितनी है, 2. तो इस में, इस सब ट्री में कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होंगे, इसमें होंगे ट्वाइस ऑफ बी एच एक्स मीन्स 2 माइनस 1 दैट इज 3. दैट मीन्स 3 इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स. और इतने सब ट्री में कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 आर द इंटरनल नोड्स, रेस्ट आर लीफ नोड्स. सो 6 उन्होंने कहा है मिनिमम इतने हैं, मैक्सिमम तो अगेन कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या देखना है कि मेरे पास अब दैट मींस अब इससे मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे ये पता लग रहा है कि अगर मुझे किसी भी सबट्री में ब्लैक हाइट मुझे पता लग जाए, दैट मींस कि इस सबट्री के रूट का अगर मुझे ब्लैक हाइट पता लग जाए, तो मैं ये बता दूंगा कि इस सबट्री में कितने इंटरनल नोड्स होने वाले हैं मिनिमम. सो अगर इसका ब्लैक हाइट, इसके रूट, इस सबट्री के रूट का ब्लैक हाइट बी एच एक्स है, ये मुझे पता लग जाए, तो इसमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होने वाले हैं, ट्वाइस ऑफ बी एच एक्स माइनस वन, इतने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होने वाले हैं किसी भी सब ट्री में एटलीस्ट. ठीक है, अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि आर्बिट्री की कोई भी एक नोड है, लेट्स से कोई भी एक नोड है, उसका ब्लैक हाइट अगर बी एच एक्स है, तो इस नोड के जो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होंगे, इनका जो ब्लैक हाइट होगा वो या तो इसके पेरेंट के इक्वल होगा या फिर इससे एक कम होगा. ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि अगर किसी नोड का ब्लैक हाइट इतना है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का ब्लैक हाइट या तो इतना हो सकता है या इतना हो सकता है. ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. लेट्स से व्हाट इज द ब्लैक हाइट ऑफ 18, ब्लैक हाइट ऑफ 18 इज 2. इसके लेफ्ट चाइल्ड कौन से हैं, 10 एंड 22. तो इनका ब्लैक हाइट कितना होगा, या तो 18 के ब्लैक हाइट के इक्वल होगा या उससे कम होगा. 10 का ब्लैक हाइट कितना है, 1, जो कि 2 से कम है, एक कम हो सकता है. ठीक है, 22 का ब्लैक हाइट कितना है, 2 से कम, 1 है, तो एक कम हो सकता है. ओके, सिमिलरली 7 का ब्लैक हाइट कितना है, 2,
इसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कौन है, 3 और 10। तो ये जो 3 है इसका ब्लैक हेड, 3 और 18 का जो ब्लैक हेड है वो क्या होगा, या तो 7 के ब्लैक हेड के इक्वल होगा या उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो 3 का जो ब्लैक हेड है वो हमने फाइंड आउट किया था वो कितना है 1, और ये 1 क्या है इसके ब्लैक हेड से कम हो सकता है, दैट इज ट्रू। सिमिलरली 18 का ब्लैक हेड क्या है 2, विच इज इक्वल टू द ब्लैक हेड ऑफ पेरेंट, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब अगर मुझे किसी भी ट्री में, किसी भी ट्री में एक आर्बिट्री है मेरे पास, इस आर्बिट्री में ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो जरा, इस आर्बिट्री में एक रूट होगा, इस रूट का एक लेफ्ट सब ट्री होगा और इसका एक राइट सब ट्री भी होगा, ठीक है, ये हमें पता है। और इस रूट का मैं अज्यूम कर रहा हूं या मान के चल रहा हूं जो ब्लैक हाइट है, दैट इज ब्लैक हाइट एक्स, ठीक है। तो इसके लेफ्ट चाइल्ड का कौन होगा, जो इस सब ट्री का रूट होगा, जो इस सब ट्री का रूट होगा वो यहां पर, इसका ब्लैक हाइट कितना होगा, या तो इसके इक्वल होगा या इससे कम होगा, या इससे एक कम होगा। सिमिलरली इसका जो राइट सब ट्री है उसका रूट जो होगा, उसका रूट कौन है, इस सब ट्री का रूट, इसका चाइल्ड कौन है, राइट चाइल्ड, इस रूट का राइट चाइल्ड कौन है, ये जो कि इस राइट सब ट्री का कौन है, रूट या पेरेंट, ठीक है। तो इसका ब्लैक हाइट क्या होगा, इसका ब्लैक हाइट भी अपने पेरेंट का तो इक्वल होगा या एक कम होगा, ठीक है। दैट मीन्स अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका हाइट इतना है तो इसके चाइल्ड का हाइट इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कम तो हो गई, एक कम तो हो गई होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो ही सकता है। हम कह रहे हैं इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका ब्लैक हाइट BHX-1 तो होगा ही होगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट हम कह रहे हैं इतना तो पॉसिबल मैंडेटरी है ही। सिमिलरली इसका जो राइट चाइल्ड है उसका भी ब्लैक हाइट जो है वो इससे एक कम तो होगा ही होगा और उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये जो लेफ्ट सबट्री है इसका रूट का ब्लैक हाइट मुझे पता लग गया, ये है। इसका जो राइट सबट्री है उसके भी रूट का ब्लैक हाइट मुझे पता लग गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें लेफ्ट सबट्री में कितने टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होंगे, यस एज पर दिस फॉर्मूला। कैसे, अगर इस सबट्री, किसी भी सबट्री के रूट का ब्लैक हाइट BHX है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने हो जाएंगे, इतने। अब अगर इस लेफ्ट सब ट्री के रूट का ब्लैक हेड कितना है, इतना, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ BHX-1 और -1। देखो यहां पर हाइट हमने ब्लैक हेड रूट का BHX लिया था, बट यहां पर रूट का ब्लैक हेड क्या है, BHX-1, ठीक है। सो इसलिए हमने BHX-1 प्लेस किया ऊपर, प्लस में। ये हो गए लेफ्ट सब ट्री के इंटरनल नोड्स। अब राइट सब ट्री के इंटरनल नोड्स कितने होंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ ब्लैक हाइट ऑफ इट्स रूट ऑफ दिस राइट सब ट्री, दैट इज ट्वाइस ऑफ BHX-1, ठीक है, एंड -1। ये इतना है लेफ्ट सब ट्री के इंटरनल नोड, ये है राइट सब ट्री के इंटरनल नोड, और ये कितने हैं, मिनिमम उन्होंने क्या कहा है, एटलीस्ट, दिस इज द एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। प्लस में अगर मुझे इस पूरे ट्री के इंटरनल नोड निकालने हैं, इसका निकाल लिए, इसके निकाल लिए, प्लस वन, ये भी तो एक इंटरनल नोड है इस ट्री का, ठीक है। सो प्लस वन, एट लीस्ट दिस मच इंटरनल नोड्स विल बी देयर इन माय ट्री, एंड लेट्स से दिस इज एन, सो एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है ये होता है मिनिमम। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, दिस कैन बी सॉल्व एज एन ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस टर्म कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ BHX, क्योंकि पावर माइनस में है, आई कैन राइट इट डिवाइड बाई टू, दिस इज -1 प्लस, सिमिलरली दिस टर्म कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ BHX डिवाइड बाई टू, -1 + 1, ये -1 से ये +1 कैंसिल आउट, सो दिस विल कम एन ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BHX डिवाइड बाई टू, ट्वाइस ऑफ BHX डिवाइड बाई टू, इट विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BHX ओनली, ट्वाइस ऑफ BHX, क्योंकि क्या होता है 1/2 + 1/2 कितना होता है, दिस इज 1, सो दिस बाई टू प्लस दिस बाई टू इज इक्वल टू 1, सो दिस एंड ये एक -1 अभी पैरेलल में चल रहा है, दिस इज -1, सो अभी हमारे पास एन है ये, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास इस आर्बिट्री की, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट प्रॉपर्टी सेज दैट हाइट ऑफ माय ट्री विल ऑलवेज बी, या हाइट ऑफ एट एनी नोड विल ऑलवेज बी, h will always be lesser than and equal to twice of black height of that particular node,
ठीक है, आप कहीं पर भी देखें, मैं कहता हूं चलो 18 की बात करते हैं, 18 का जो हाइट है, हाइट 3, इट विल बी लेसर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्लैक हाइट ऑफ दिस। ट्वाइस ऑफ ब्लैक हाइट मीन्स ब्लैक हाइट कितनी है, 2, 22, 4, तो जो हाइट है वो इसके ट्वाइस से लेसर होगा हमेशा। सिमिलरली इसका हाइट कितना है, 4, सो इट शुड 4 शुड बी लेसर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्लैक हाइट, दैट मींस 2 into 2, 4, सो दैट इज फाइन, इक्वल हो सकता है, सो ट्वाइस के इक्वल हो सकता है, सो दिस इज ट्रू। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर, दिस स्टेटमेंट नंबर 4, फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट बी एच एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2। इस 2 को इधर ले आए सिंपली, ठीक है, सो क्या हम इस स्टेटमेंट में बी एच एक्स के प्लेस पर एच बाई 2 राइट रख सकते हैं? यस वी कैन पुट, क्यों, क्योंकि बी एच एक्स इससे बड़ा ही होगा, इसके इक्वल इससे बड़ा ही होगा, हम तो अगर इसके इक्वल भी रख रहे हैं तो भी हम कमी लेकर के चल रहे हैं और हमने तो मिनिमम देखना है, सो दैट इज नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई कैन राइट इट एज एन ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एच एक्स की जगह क्या रख दूं मैं, बी एच एक्स की जगह रख दिया मैंने एच बाई 2, एच बाई 2 एंड देन दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एच बाई 2। फ्रॉम हियर आई कैन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इफ मैं इनके इस पे लॉग लेता हूं, दिस इज लॉग एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस 2 के पावर, दिस 2 इंटू 2 एंड एच बाई 2 इज इन पावर ऑफ दिस 1 क्योंकि बेस 2 लिया है हमने, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म क्या बन, ये आगे आ जाएगा एच बाई 2 एंड दिस कैन बी, दिस टर्म इज 1, सो नो नीड टू राइट। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम इधर ले जाएंगे, सो एच विल बी लेसर देन एंड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग एन प्लस 1, दैट मीन्स एच विल बी इतना या फिर इतना, एच विल बी लेसर देन और इक्वल टू दिस 1, या तो इससे कम होगा या इसके इक्वल होगा मैक्सिमम, ठीक है। यहां पर उन्होंने क्या कहा है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, इससे कम ही होना चाहिए, इससे कम या इसके इक्वल, तो वही हमने कहा है हाइट क्या है, इसके इक्वल या उसके इक्विवेलेंट, उससे कम या उससे इक्विवेलेंट, यही हमें प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव दिस स्टेटमेंट वेल। अगर वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।